हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आलू और राजमा की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने राजमा को ओवरनाइट सोक करके रखा है। राजमा को अब बॉईल करेंगे आलू के साथ। आलू को मैंने छील लिया है। राजमा में आलू डालने से एक बेनिफिट है कि बच्चे भी इसको खाएंगे, क्योंकि हर बच्चों को आलू पसंद होता है। तो बच्चे आलू खाएंगे, फिर राजमा भी खाएंगे, और राजमा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और अब जाएगा इसमें नमक। एक तेज पत्ता डाल देंगे। खड़े मसाले मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर बच्चों को वो थोड़ा मतलब कड़वा लगता है, तो मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ तेज पत्ता डाला है। इसमें हमें 5 सीटी लगवानी है कुकर को। हाई फ्लेम पे 5 सीटी लगने के बाद मैं चेक कर रही हूँ। ये देखो, अब हम राजमा को चेक करेंगे। ये राजमा अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो फिर 1-2 सीटी और लगवानी पड़ेगी। ये राजमा हो चुका है अच्छे से। ये देखो, ये अच्छे से हो गया है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और ये 1 टमाटर है मीडियम साइज का। और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा। जीरा के बाद मैंने डाला इसमें हींग। जीरा चटकने के बाद इसमें मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को हमें ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। ये लहसुन होने वाला है। अब अगर आप लहसुन को कच्चा डालते हैं तो पहले इसको हल्का सा ब्राउन करिए, अगर ये इसका पेस्ट डालते हैं तो फिर प्याज के साथ डालते, लेकिन मैंने ये कच्चा ही हल्का बहुत बारीक चॉप किया था, तो मैंने इसको चॉप करके डाला है। लहसुन होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अदरक डाल दिया है मैंने इसमें। अब हम लहसुन, अदरक और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, मीडियम फ्लेम पे। ये देखो, ये हो चुका है गोल्डन ब्राउन। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को मिक्स कर देंगे प्याज में। ये मीडियम फ्लेम पे है इस टाइम गैस। अब जाएगा इसमें नमक। नमक डालने से टमाटर गल जाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें, ये देखिए नमक डाल दिया मैंने। हमने राजमा बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था उसमें 1 चम्मच, तो इसमें अपने हिसाब से आपको डालना है। मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको पका लेना है टमाटर को। अब मसाले जाएंगे इसमें। धनिया पाउडर डाला है मैंने, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च है 1 चम्मच। लाल मिर्च आप बहुत कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे। थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले नहीं।
अब मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें हरी मिर्च जो काट के हमने रखी थी वो भी डाल देंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे मसाले को ढक के। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, ये देखिए मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हमने जो बॉयल राजमा और आलू करके रखा था वो डाल देंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जाएगी इसमें, ऑप्शनल है ये कस्तूरी मेथी। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी ऑप्शनल है, वो आप डाल सकते हैं तो अच्छा है, कलर अच्छा आ जाता है सब्जी का, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है इसमें। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इस टाइम देखिए मसाले तेल अलग हो चुका है मसालों से। अच्छे से भुन चुका है मसाला, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बॉयल राजमा कर रखा है वो। पानी के साथ, जिस पानी के साथ हमने उसको उबाला था वही डालेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि राजमा पहले से कुक है तो सिर्फ मसाले जो हैं राजमा और आलू के अंदर जाएंगे, अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसमें, तो इसीलिए हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। ढक देंगे हम इसे। 5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये देखो ये हो चुका है। मेरे को चावल से इसको खाना था इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी तरी बढ़ाई है। आपको अगर रोटी या पूरी के साथ खाना है तो आप हल्का कम पानी रख सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। गैस को पहले बंद कर देंगे हम। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी। धनिया पत्ता डाल दिया है, देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आप बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी। देखो बन चुकी है ये। चावल के साथ मैं इसे खा रही हूँ, इसमें आलू है तो बच्चे भी खाएंगे क्योंकि बच्चों को आलू पसंद होता है।